क्वेश्चन नंबर 9, अ स्टूडेंट ट्रेवल्स टू स्कूल बाय द रूट एज शोन इन फिगर। यानी ये हाउस घर से 2 किलोमीटर इधर को बस स्टॉप पे जाता है, फिर 2 किलोमीटर इधर सी पे आता है, फिर 2-3 किलोमीटर ऊपर को चला जाता है। फाइंड ए डी, यानी ए से डी ये वाला डायरेक्ट डिस्टेंस जो है ना, मैंने रेड लाइन लगा दी है, ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए आपको ये जो लाइन है ना, इसके पैरेलल ऐसे ड्रॉ कीजिए, ये ऐसे करके इसको आप ऊपर से मिला दीजिए। अब ये बन गई आपकी पूरी ट्रायंगल। ये जो साइड है ये उतनी है जितनी ऊपर है, ये 6 है, ये ऊपर से नीचे 3 है, इधर 2 है, तो ये भी 2 है। अब देखिए इसका ये बन गया 5, यानी 3 किलोमीटर ऊपर 2 किलोमीटर नीचे, तो टोटल 5 किलोमीटर बन गया। इधर वाला जो ये आपका 6 किलोमीटर है। तो अब आपने ए डी फाइंड करना है। तो ये है आपका 90 के सामने आ रहा है ना, ये परपेंडिकुलर है, तो लिखेंगे परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस है 90 के सामने। हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। जी, तो इसके लिए आपने पहले ए डी, इसका नाम हाइपोटेनियस है, सॉरी ए बी लिख दिया मैं जल्दी में, ए डी आना था। परपेंडिकुलर 3 और 2 5 किलोमीटर और जो बेस है वो 6 किलोमीटर। अब इसका फार्मूला लिख लें आप। जी, फार्मूला लिखा हाइपोटेनियस स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। अब हाइपोटेनियस की जगह आपने ए डी लिखना है, यानी ए डी का स्केयर, बेस कितनी आपकी वो 6 है, 6 का स्केयर, और परपेंडिकुलर 5 है, 5 का स्केयर। ये किलोमीटर भी साथ आएगा लेकिन मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ए डी स्केयर आपके पास आ गया 36 प्लस 25, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 61। यानी ए डी स्केयर 61, इधर भी स्केयर रूट लिया, इधर भी स्केयर रूट ले लिया, तो ए डी की वैल्यू आपके पास आ गई वही अंडर रूट, चाहे 61 चाहे पॉइंट में लिख दें 7 किलोमीटर।